हेलो एंड वेलकम। मैं हूं चिराग, स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एनएक्स वर्ल्ड डिजाइन में। सो फ्रेंड्स, आज के शानदार वीडियो में हम देखने वाले हैं दो अलग अलग टूल के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला हमारा टूल जो होगा वो होगा मेक पैरेलल और दूसरा होगा मेक टेंजेंट। यहाँ पे मेक पैरेलल और टेंजेंट का यूज हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे मेक पैरेलल का यूज किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पे पहले आप देख सकते हैं कि हमारे पास सॉलिड डम बॉडी अवेलेबल है, तो हमने जो इसकी फेसेस है उन सभी को डिलीट कर करके एक बढ़िया बहुत बॉडी बनाई है, जो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये वाली फेस, तो पहले मैं इसकी पोजीशन पहले ठीक कर देता हूँ, अब ये बढ़िया लग रहा है। तो ये यहाँ से आपको क्लियर कट दिखाई देगा। ये जो हमारा स्लोप है और ये इसकी एज है, दोनों का जो पैरेलल है वो थोड़ा मिसमैच है। तो इसको पैरेलल किस तरीके से किया जाता है, तो यहाँ पे मोर में आने के बाद यहाँ पे आपको मेक पैरेलल का ऑप्शन दिया गया है। उसमें आपको सबसे पहले करना क्या है, सिलेक्शन बनाना है इस वाले फेस का। तो हमने इसको पहले सिलेक्शन बना लिया। उसके बाद हमारी जो सेकेंडरी फेस, तो ये हमारी सेकेंडरी फेस है। यहाँ पे मोशन फेस में जिसको आपको मूव करना है वो होगा, और स्टेशनरी फेस जिसको आप रेफरेंस बना रहे हैं वो होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि अभी ये दोनों पैरेलल हो चुकी है, लेकिन अभी आपको थोड़ा चेंजेस करना है। चेंजेस में आप क्या कर सकते हैं कि इसकी जो कर्व वाली है रेडियस, इसको थोड़ा को आपको चाहिए इस कोने पर। तो आप क्या करेंगे, सिलेक्ट पॉइंट। सिलेक्ट पॉइंट करने के बाद आपको दो पॉइंट डिफाइन करने पड़ेंगे। तो ये आपने दो पॉइंट डिफाइन किए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पहले जो हमारी ज्योमेट्री थी वो ए वाली थी, लेकिन जैसे हमने पॉइंट डिफाइन किया, ये दो पॉइंट डिफाइन करते ही ये ज्योमेट्री हमारी इस तरीके की बन चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ओके प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए वाली फेस जो हमारी है एज, इसके पैरेलल ए हमारे जो इनसाइड वाला पॉकेट है उसकी फेस आ चुकी है। तो गाइस, यहाँ पे एक दूसरा ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, वो है टेंजेंसी मेंटेन करने का। यहाँ पे से आप देख सकते हैं इस वाले, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसका सर्कल है, कर्व है, वो उसको पैरेलल है इस वाली फेस से। अगर मैं इसको चाहूँ कि ये वाली, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो अगर आप यहाँ पे सपोज मान लीजिए मशीनिंग करते, तो ये वाले पोर्शन का जो फेलियर है उसके चांसेस बढ़ जाते, क्योंकि यहाँ पे इसकी थिकनेस थोड़ी कम है। तो इसको मुझे बढ़ाना है, तो मैं इसका सिंपल सॉल्यूशन क्या कर सकता हूँ, इसकी मैं जो टेंजेंसी बढ़ा देता हूँ, यानी कि इस वाली हाइट को मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर दूँ। तो वो किस तरीके से किया जाता है, तो यहाँ पे सिंपल सा ऑप्शन दिया गया, वो है मेक ए टेंजेंट का। उसमें आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पे जिस फेस को आपको मूव करके ऊपर लाना है उसको सिलेक्शन दिया, और जो हमारी दूसरी स्टेशनरी फेस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो दूसरी स्टेशनरी फेस है, तो ये है। सिंपली इसको इस तरीके के दोनों को हमने कर दिया। अब यहाँ पे आप ओके करना चाहे तो ओके कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि मेटल का यूज ज्यादा हो करना पड़ेगा। तो उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें इस थिकनेस को चाहिए, तो यहाँ पे उसको टेंजेंसी आप दे। तो टेंजेंसी देने के लिए यहाँ पे स्पेसिफाई पॉइंट कर दीजिए। सिंपली यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कोई भी पॉइंट आप दे दीजिए, तो ये यहाँ पे टेंजेंसी के साथ यहाँ पे इसने ड्राफ्ट भी ले लिया। तो यहाँ पे मैं सिंपली इसे ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे जो बॉडी को थोड़ा एक्सटेंड करना था वो भी हो चुकी है। तो इस तरीके से हम हमारे दोनों टूल का यूज जान गए। सो गाइस, फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप नहीं है तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि मेरे डिजाइन रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।